स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रिजुडिस भेदभाव कैसे उत्पन्न होता है, इससे हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं, इनके बारे में बताया। अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, है ना, स्टेरियोटाइप्स। यह क्या है? एक रूढ़िवादी। यह क्या होता है, देखिए समझते हैं। स्टेरियोटाइप्स इज अ फिक्स्ड आइडिया और बिलीव दैट पीपल हैव अबाउट समथिंग और समवन। किसी भी आदमी के प्रति, किसी भी समाज के प्रति, वह दिमाग में वैसा आइडिया जो आपके दिमाग में फिक्स हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई आदमी दिमाग में यह बैठा ले कि मुस्लिम लोग टेररिस्ट होता है, मुस्लिम लोग आतंकवादी होता है, अगर किसी के दिमाग में यह चीज़ बैठ जाए, ठीक है, तो ये फिर उसके दिमाग से नहीं निकलने वाला। लाख उसको समझा दो, लाख उसको बुझा दो, लाख उसको एग्जाम्पल दे दो, उसके दिमाग में यह चीज़ बैठ गया, यह इसे ही रूढ़िवादी कहा जाता है, है ना। चाहे वह बात जो सोच रहा है, वह बात जो उसके दिमाग में, जिस बात पर वह विश्वास कर रहा है, वह बात सही हो या गलत हो। अब ये स्टेटमेंट डेनमार्क मैंने आपको दिया कि मुस्लिम लोग आतंकवादी होता है, यह कितना तक सही है? अगर सो होता तो पूरे इंडिया, पूरे भारत, पूरे दुनिया का मुसलमान टेररिस्ट होता, ऐसा है क्या? नहीं। यही चीज़ स्टीरियोटाइप्स कहलाता है, रूढ़िवादी कहलाता है, जो हमारे दिमाग में क्या होता है, बैठ जाता है, ठीक है, चाहे वह आइडिया गलत हो या सही हो, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स लाइक प्रिजुडिस कैन बी बेस्ड ऑन द फैक्टर लाइक। अब यह किसके आधार पर हो सकता है? अगर हम ये जो स्टीरियोटाइप्स या प्रिजुडिस हमें, है ना, स्टीरियोटाइप जो है प्रिजुडिस भेदभाव की तरह ही, या जो है ना, किसी रिलीजन, किसी रीजन, किसी जेंडर, किसी इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर आधारित होता है, है ना। जैसे कोई आदमी किसी धर्म के बारे में गलत दिमाग में बैठा ले, गलत भावना ले ले, यह है ना, किसी रीजन के बारे में ये ले ले कि बाप रे यह देश, यह फलाना रीजन खराब है, ये है, वह है। किसी जेंडर के बारे में, जैसे क्या होता था पहले, लड़की लोग को, औरत लोग को क्या होता था, ज़्यादा छूट नहीं था, उसे घर के अंदर कैद रखने की जो है सो ये इस तरह का स्टेरियोटाइप माना जाता था, लोग करते थे, है ना। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, अगर लोग ये सोच ले कि नहीं गरीब आदमी है, ये है, फलना है, चिन्ना है, ठीक है, तो इस तरह का ये है ना स्टेरियोटाइप जो है बहुत सारे चीज़ पर आधारित हो सकता है, है कि नहीं। When we make assumption about the specific group of people, we start believing that all people in that group is like that. अगर हम किसी भी ग्रुप के बारे में, अभी अगर हम किसी खास ग्रुप के लोगों के बारे में जानना चाहें, कल्पना करना चाहें, assumption करना चाहें, तो हमें पहले यह सोचना होगा कि इस ग्रुप का सभी आदमी क्या है, एक जैसा है, इस ग्रुप का सभी आदमी बराबर है। Each group has its own idea. सभी ग्रुप का अपना अपना आइडिया होता है, वैल्यू होता है, बिलीफ होता है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट, हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई हिंदू समुदाय का लोग है, कोई मुस्लिम समुदाय का लोग है, कोई सिख समुदाय का लोग है, कोई क्रिश्चियन समुदाय का लोग है, तो सभी की सोच अलग अलग होती है, सभी की आइडिया अलग अलग होती है, सभी की वैल्यू, सभी का विश्वास अलग अलग होता है। हमें सभी लोगों के विश्वास, आइडिया, बिलीफ का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। वी शुड स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेज एंड नोट हाइव प्रोसीडेड आइडियाज। हमें क्या करना चाहिए, सभी के बीच की जो डिफरेंस है, जो विभिन्नता है, उन सबको जानना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ को हमें घृणा नहीं करना चाहिए। स्टीरियोटाइप्स लिमिट्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन अ स्पेशल इंडिविजुअल विथ हिज और हर ओन टैलेंट एंड स्किल। स्टीरियोटाइप्स क्या है, तो हमें वह एक खास समुदाय, खास लोग के जो है ना, उसके जो है ना, उसके अपना टैलेंट और स्किल के बारे में भी जानकारी देता है, है ना। ये स्टीरियोटाइप्स हो गया, प्रिजुडिस, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। अब देखिए कुछ है ना स्टेटमेंट दिया है, तो आप लोग को बताना है कि यह प्रिजुडिस इससे क्या होता है, भेदभाव पैदा होता है, या स्टीरियोटाइप्स क्या है। जैसे देखो, बॉयज शुड नॉट क्राई, लड़का को नहीं चिल्लाना चाहिए। अब क्या है, यह एक गलत धारणा दिमाग में बैठ गया, यह एक स्टीरियोटाइप्स हो गया, है ना। चलिए दूसरा, फेयर स्किन पीपल आर सुपीरियर टू डार्क स्किन पीपल, कहता है गोरे लोग काले लोग से ज़्यादा उच्च है, ज़्यादा उच्च दर्जा का है, तो यह क्या है, प्रिजुडिस, भेदभाव करने वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। ओमेन्स आर बैड ड्राइवर्स, ओमेन जो है ना, लड़कियां, औरत जो है वह है ना बुरा है ना ड्राइवर होती है, जो गाड़ी ड्राइवर करती है वह बुरा होती है, गलत होती है, यह क्या है, यह स्टीरियोटाइप से आदमी के दिमाग में बैठ गया है इस तरह का गलत चीज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रिजुडिस और है ना ये स्टीरियोटाइप्स, इन दो चीज़ के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, वही चीज़ है प्रिजुडिस और इसका सेम मतलब आता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग ही देखते हैं क्या है। डिस्क्रिमिनेशन इमर्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडिस स्टीरियोटाइप, जब लोग जो है प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप्स है ना, किसी भी भेदभाव या किसी भी रूढ़िवादी चीज़ पर है ना अपना जो है ना एक्ट कर ले, उस पर काम करना, उस पर चलना शुरू कर दे,
है ना, तो हमें समाज में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, भेदभाव देखने को मिलेगा। इट्स टेंड्स टू क्रिएट डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल, इसके वजह से क्या होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच दूरी पैदा होता है, चाहे वह धर्म के आधार पर हो, चाहे वह क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे वह जो है सो जात के आधार पर हो, चाहे वह अमीरी गरीबी के आधार पर हो, चाहे वह जेंडर औरत मर्द के आधार पर हो, लेकिन आधार कोई भी हो, लेकिन हमारे समाज में एक दूसरे के बीच, एक दूसरे ग्रुप के बीच क्या होता है, डिस्टिंक्शन है ना, दूरी पैदा होता है। किसके वजह से, डिस्क्रिमिनेशन के वजह से। इट्स मीन्स ट्रीटिंग सर्टेन पीपल इन अनफेयर डिस्क्रिमिनेटिंग मैनर, डेनिंग देम कॉजेस टू राइट डिफरेंट मीन टू ऑल द पीपल नॉट टू रैंक टू द एक्टिविटी वेरियस एक्टिविटीज। अगर समाज में किसी भी आदमी को हम, किसी भी लोगों को हम ट्रीट करना चाहे अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम गलत ढंग से बुरी तरीके से अगर हम ये चीज़ करना चाहे, तो इससे क्या होता है, समाज में डिस्क्रिमिनेशन पैदा, समाज में भेदभाव पैदा शुरू हो जाता है। वेन पीपल आर डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जबकि पीपल के पास क्या होता है, सभी पीपल को इक्वल जो है ना ये अधिकार प्राप्त है। इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एडवांसिंग, डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू एन अनब्रिजेबल गैप विथ इन द सोसाइटी। अब भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या होता है, हमारे समाज में यह गैप पैदा हो जाता है, अनब्रिजेबल गैप है ना, एक दूसरे समाज से, एक दूसरे समुदाय से लोग घृणा पैदा करने लगते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच एक गैप बन जाता है, ठीक है। अब देखो प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है ना किस काइंड्स के हो सकते हैं, कितने काइंड्स के हो सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी टेक प्लेस बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, जिस तरह प्रिजुडिस है ना बहुत चीज़ पर आधारित हो सकता है, उसी तरह डिस्क्रिमिनेशन भी है, वह क्या है, उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। जैसे अगर कोई रीजन कास्ट जेंडर इकोनॉमिक बैकग्राउंड इन सब चीज़ के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। वी नो डैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं में एकता वाला देश है। वेरी ऑफन दिस डाइवर्सिटीज बिकम अ सोर्स ऑफ प्रिजुडिस, और इन्हीं डाइवर्सिटीज की वजह से कभी कभी क्या होता है, भेदभाव देखने को मिलता है, इनइक्वलिटी समाज में असमानता देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे के बीच भेदभाव, अंतर ऊंच नीच देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि पीपल विथ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगर थ्रू आर्टिस्ट। अच्छा आप लोग को पता होगा अगर समाज में कोई आदमी फिजिकली है ना शारीरिक तौर पर या इंटेलेक्चुअली दिमागी तौर पर अगर विकलांग है, कोई आदमी लंगड़ा है, गूंगा है, बहरा है, अंधा है, कोई आदमी दिमाग से जो है सो वह लाचार है ना, डिजेबिलिटी है, दिमाग उसका थोड़ा सा कम है या खराब है, तो इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, डिसएबिलिटी कहते हैं, है ना, डिसएबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके बीच क्या होगा है ना, डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन के विकलांगता जो है, विकलांगता के तौर पर हम समाज में क्या होता है, इनके बीच भेदभाव कहा जाता है, भेदभाव किया जाता है ना, कोई कहेगा ए लंगड़ा इधर आओ, ए अनरा, ए जो बहरा, तो यह क्या होगा, उनके बीच भेदभाव पैदा करना होगा, है ना। सम पीपल हैव फिजिकल डिजेबिलिटी, अगर कोई जो है ना ब्लाइंडनेस है, अंधा है, कोई अंधा है, इनेबिलिटी है, कोई चल नहीं सकता है, टहल नहीं सकता है, तो इस तरह जो है इन आधार पर भी भेदभाव पैदा होता है। इसके अलावा कुछ फेमस, देखो कुछ फेमस हिस्ट्री ऐसे लोग फिजिकल डिजेबिलिटीज वाले के लोग हैं जिसका जो है हिस्ट्री हमको मिलता है। जैसे आप लोग को पता हो है ना बीथोवन, यह बहुत बड़े संगीतकार है दुनिया का, लेकिन वह बहरा था। बताओ भगवान ने उसे कितनी संगीत गाने की कितनी कलाकारी दी, लेकिन वह क्या था, बहरा था, वह खुद नहीं सुन सकता था, है ना। स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फिजिक्स की दुनिया में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उसे एक बीमारी था मोटर न्यूरॉन डिजीज, उसका सारा शरीर बंद था, उसका कोई भी शरीर का पार्ट काम नहीं करता, सिर्फ आँख चलता था, तो वह एक चेयर पे बैठे रहते थे और बस अपने आँख के इशारा से काम करते थे, इससे इस तरह का डिजीज था, लेकिन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फिजिक्स की दुनिया में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोज की। इसके अलावा हेलेन केलर या ऑथर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लेक्चरर है, जो कि ब्लाइंड और डिफ दोनों था, अंधा भी था और बहरा भी था, लेकिन वह बहुत बड़े ऑथर गुजरे हैं, बोल सोचो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट गुजरे हैं। तो इस तरह हमारे समाज में जो है इस तरह की बातें जो है क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आप लोग को बताएंगे कि कास्ट के आधार पर किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।